हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के दिमाग को सुपर फास्ट बना सकते हैं और आजकल की जनरेशन के माइंड को तेज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको उनकी डाइट में कुछ ऐसे 6 सुपर फूड बीज शामिल करने चाहिए जो बच्चे के दिमाग को तेज़ और तंदुरुस्त बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे 6 सुपर फूड बीज जो उनकी सेहत और उनके दिमाग को काफ़ी तेज़ बनाएंगे। बच्चों को आप स्नैक्स में कुकीज़ और चिप्स की जगह इन ब्रेन बूस्टर सीड से बनी रेसिपी देंगे तो ये उनके दिमाग को तेज़ करने के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। बच्चों को खाने पीने के लेकर हमेशा एक अलग मूड में रहते हैं। उन्हें हमेशा वही खाना पसंद होता है जो उन्हें अच्छा लगता है, पर सेहत के लिहाज से उनका पसंदीदा खाना जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर नुकसानदेह है। साथ ही बच्चे रोज़ रोटी, दाल और चावल खाना भी पसंद नहीं करते हैं। पर आज हम बच्चों के लिए सुपर हेल्दी सीड्स, ब्रेन बूस्टर सीड्स लेकर आए हैं जिनसे आप कुछ रेसिपीज़ को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। इन सीड्स यानी कि बीजों को लेकर खास बात यह है कि ये प्रोटीन, कई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं जो कि ना सिर्फ ब्रेन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने और कई रोगों से बचाने में भी मददगार हैं। पर बच्चों के लिए इन बीजों को खिलाना आसान नहीं होता, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के लिए इन हेल्दी सीड्स के बारे में और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं और कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। नंबर 1, चिया सीड्स। चिया सीड्स एक सुपर फूड है जो कि फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर है। चिया सीड्स में अल्फ़ा लिनोलिक एसिड ALA भी होता है जो कि ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। चिया सीड्स में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का संतुलन होता है जो प्री और प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर जैसी चीज़ों का उत्पादन करने में मदद करता है जो आपके आँत और मस्तिष्क कनेक्शन को संतुलित रखने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं चिया सीड्स का उपयोग कैसे करना है। बच्चों के लिए चिया सीड से आप कुकीज़ तैयार कर सकते हैं, बच्चों के सूप में डाल सकते हैं, जूस और स्मूदी में भी मिला सकते हैं। नंबर 2, पम्पकिन सीड्स। कद्दू के बीज एक ब्रेन फूड है। कद्दू के बीज जिसे पेपिटास के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन का एक अच्छा स्रोत है और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है। ये लंबे समय के लिए ब्रेन को हेल्दी रखने में मैग्नीशियम का सेवन फायदेमंद करता है। इसके अलावा जिंक मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार को विनियमित करने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो आइए, इस तरह आप दे सकते हैं कद्दू के बीज आपके बच्चों को भविष्य से कई रोगों से बचा सकता है। कद्दू के बीजों की स्मूदी में मिलाएं, ग्रिल सैंडविच में, स्टफिंग में मिलाकर इस्तेमाल करें, वेजिटेबल केक बनाएं और इसमें मिलाएं। नंबर 3, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसे अल्फा लिपोलिक एसिड ALA कहा जाता है। ये दिमाग को तेज़ करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है जो माइक्रोबायोम को सही रखता है। सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव अवसाद से जुड़े होते हैं जो कि बड़े होते बच्चों में नज़र आते हैं, तो इन तमाम फ़ायदे के लिए बच्चों को ज़रूर देने चाहिए अलसी के बीज। अलसी के बीजों को बच्चों की स्मूदी में मिलाएं। आप इन्हें दलिया, सैलड या डेजर्ट में भी मिला सकते हैं। नंबर 4, खरबूज के बीज, मस्क मेलन सीड्स। खरबूजे के बीज सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खरबूजे के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो DHA डोकोसैक्सैमिक एसिड बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 6 भी होता है जो आपके मस्तिष्क कोशिकाओं के स्वास्थ्य को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने और सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही खरबूजे के बीच में विटामिन A भी होता है जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। अब जानते हैं कि खरबूज के बीज आपको कैसे देने हैं। इसे धोकर आप सुखा लें, आप इसे पीस के पाउडर बना लें और कुकीज़ बनाने में इस्तेमाल करें। आप इसे केक के बैटर में मिला सकते हैं और केक बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बनाए जाने वाले मिल्क शेक में भी इसे मिला सकते हैं।
नंबर 5 सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के बीज आपके दिमाग को बूस्ट करते हैं। सूरजमुखी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्य रूप से कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से जुड़े नुकसान से बचाता है। ये मस्तिष्क के कामकाज को बढ़ावा देता है और मेमोरी बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार है। सूरजमुखी के बीज आपको कैसे देने हैं, आप सैलड के ऊपर छिड़क सकते हैं या दलिया में मिलाएं, सब्जियों में मिलाएं, वेजी बर्गर में डालें। नंबर 6 तिल के बीज, सीसेम सीड्स। तिल के बीज अमीनो एसिड टायरोसिन का एक स्रोत है जिसका उपयोग डोपामाइन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तिल के बीज में भी जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है जो कि मेमोरी बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। तिल के बीज को आप रोटी में मिलाकर बनाएं या इसे स्मूदी और कुकीज़ बनाएं। तिल के लड्डू भी बना के आप अपने बच्चों को सर्दियों में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को चिरौंजी और सोयाबीन सीड्स भी खिला सकते हैं। इन बीजों से आप स्नैक्स बना सकते हैं जैसे कि चाट, सैलड, चिप्स और पकौड़े। ये आपके बच्चों को खाने में टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी। तो अपने बच्चों को खिलाएं और ये हेल्दी सीड्स उनका ब्रेन बूस्ट करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाने दिमाग के लिए सुपर फूड 6 बीज जो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आएंगे और आप उनको उनकी डाइट में ये देंगे तो उनका दिमाग काफ़ी तेज़ी से रन करेगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल भव्या हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।